कौन है? बता बता, ये देखो इसको छोड़, ये गिर रखी है, छोड़ लग। तो मैं गड़िया मंदिर से अब निकल गया हूँ और यहाँ से अब 100 किलोमीटर ऊपर जाना है मेरे को पहाड़ों में, जहाँ मेरा गांव है रानीखेत से जस्ट पहले, रानीखेत से कुछ 10-20 किलोमीटर पहले ही है मेरा गांव। देखते हैं अब ये सारा का सारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया पड़ने वाला है और यहाँ बीच में काफ़ी घना जंगल है, यहाँ पे बाघ वाघ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो देखते हैं क्या होता है, कोई मिलता है रास्ते में या नहीं। जिया द्वंद्र के हम द्वार से निकल रहे हैं बाहर को। जय गड़जिया माता की, जय जय माता की। तो यहाँ से हम पहुँच गए रोड पे और ये पकड़ लिया हमने रानीखेत वाला रास्ता। ये देखो कितना घना जंगल है और यहाँ पे झुकी झुकड़ियाँ बसी पड़ी, यहाँ बसी पड़ी हुई है। ये मोहान है, मोहान में काफ़ी ज़्यादा बाघ देखे गए हैं, आपने कई वीडियो देखी होंगी उनमें, मोहान में सबसे ज़्यादा बाघ बताया जाता है बाघों का कि यहाँ पे अटैक हुआ वहाँ अटैक हुआ है। यहाँ पे वार्निंग बोर्ड दिया है कृपया पानी का लेवल देख के बढ़े। तो यहाँ पे ये जो है एरिया, कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक पानी आता है, कई बार गाड़ियाँ भी बह चुकी हैं, यहाँ पे भी आता है और आगे एक है उसमें भी आता है। इस एरिया में भी काफ़ी पानी आता है, देख रहे हैं यहाँ पे कटाई हो रखी है पानी की वजह से। हाथी बहुमूल्य से यहाँ पे बहुत हाथी आते हैं लग रहा है, तभी यहाँ पे हाथियों का बोर्ड दे रखा है। यहाँ देखिए लेबर शायद हैं ये जो कुछ काम कर रही हैं जंगल उंगल में, लकड़ी उकड़ी होगा। पहले जब उत्तराखंड में रोड इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही चौड़ी थी, तो जब कभी बचपन में हम बसों में आते थे तो जब हम खिड़की से नीचे देखते थे तो ऐसा लगता था एक पैर बस का जैसे झूल रहा है, हवा में है। तो ये देख के हमें बहुत डर लगता था उस समय। दो गाड़ियों के लिए बड़ी कंफर्टेबल जगह है। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रखा है, वो दिल्ली की गाड़ी है और उसने देखा नहीं कि बस इतने में मोड़ पाएगी नहीं मोड़ पाएगी और उसने आगे स्पीड पे लाके खड़ी कर दी हुई है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ढलान से नीचे से आ रही हो गाड़ियाँ ऊपर को और जो हैवी गाड़ियाँ हैं उनको आगे, उनको पहले रास्ता देना पड़ता है। ये है लास्ट चौकी जहाँ पे मोस्टली गाड़ियों को रोका जाता है रात के टाइम पे, बस 9-10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, और फिर कुछ टाइम बाद छोड़ भी दिया जाता है क्योंकि इन एरियों में हाथी का बहुत डर रहता है। देखा होगा इन इलाकों में, ऐसे इलाके में से बाघ निकलते हुए आ रहा, बाइक के पीछे भाग रहा था और वो बाइक वाला बड़ी तेज़ी से भाग रहा था। तो ऐसे इलाकों में बाघ का काफ़ी आतंक भी रहता है, पता नहीं कब कहाँ से निकल के आ जाए। अभी टाइम 1:30 बज गया है करीबन और मैंने भी वहाँ भंडारे का लुक लिया। ओ तेरी, ये क्या हुआ, बीच में यार ऐसे बना क्यों देते हैं ये लोग। अगर गाइस टाइगर मुझे दिख गया सामने तो क्या होगा, बस वैसे दिख जाए दूर से, पास ना आए भाई। टाइगर अगर पास आ गया तो फिर समझो इस समय सभी जंगली जानवर जो हैं शायद सो रहे होंगे। बाई चांस कोई हुआ तो हुआ इस समय, नहीं तो मोस्टली जो जानवर होते हैं वो दिन के टाइम में बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि निकल जाएं, वो भी इतनी घने धूप, इतने ख़तरनाक धूप में। इस समय तेज़ धूप भी काफ़ी हो रखी है।
अरे कड़ाकोटी ढाबा, हमारा नाम भी कड़ाकोटी है, पर ये मत ये नहीं कह रहा कि मैं ये हमारा ढाबा है, सिर्फ दिखा रहा था। तो यही है सुराल, जहाँ पे सब जहाँ पे आती जाती बसें गाड़ियाँ रुकती हैं खाने के लिए, जितने भी यात्री लोग होते हैं। काफल कहाँ से ला रहे हो बच्चों? तुम्हें काफल कितने रुपए के हैं? एक पन्नी 20 रुपए की। पर मेरे पास तो खुले है नहीं, मैं कैसे दूं तुम्हें? 500 के तो खुले होंगे नहीं तुम लोगों के पास। नहीं। फिर गुड़िया कैसे होगा? किसी का नंबर है जिसमें करवा सको पैसे तुम लोग? नहीं। चलो कोई नहीं, कितने में पढ़ते हो तुम लोग? ये फिफ्थ में। सिक्स्थ में। यही होगा स्कूल तुम दोनों का? फिर इसका यहीं पर ही हमारा भतरोज खान है। भतरोज खान यहाँ से पैदल जाती है? नहीं बस में, गाड़ी में। साइड हो जा। चलो कोई नहीं, मैं बाद में आऊँगा तब ले लूँगा, ठीक है? मेरे पास खुले पैसे थे नहीं, और जो ये चीज़ दे रहे थे बच्चे, ये यहाँ उत्तराखंड के काफ़ी फेमस चीज़ थी जो कि जंगलों में मिलती है, उसे कहते हैं काफल। तेरी मेरे इसमें कुछ तो घुसा है भाई, किसी ने तो काट दिया मेरे को, बड़े खतरनाक। क्या हुआ इसको गुड़िया को? गुड़िया हम तो साथ ही आ रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। गुड़िया क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, आप रुके भी, मैं भी रुका। ना, बहुत अच्छी बात है, वैसे हेल्प कर। कहीं से किसी ने जानवरों ने तो नहीं काट वाट नहीं दिया कुछ? ये मैम एक मिनट, ये पूछना इससे कि क्या हुआ बच्चे को? पूछना बच्चे से कौन है, कहाँ रहती है? चोट लगी बड़ी है ये। चोट लगी इसको देखो यार। तो चोट लगी बड़ी है। भाई कौन है, क्या है ये? ये देखो कोई दिक्कत, कम्बल अम्बल भी है यार। ये देखो इसके हाथ में चोट लगी है भाभी। क्या हाथ में चोट लगी तुम्हारे? यहाँ पे देखो ये कोहनी पे इसको देखो, कोहनी पे लगी है ये, फिसली है यहाँ पे कहीं। क्या हुआ बच्चे बता तो सही, क्या हुआ? किसने मार के गया कोई? ये आप यहीं के हो क्या? ये बच्ची को जानते हो? इसे बैठी पड़ी रो रही है, इसके हाथ पे चोट भी लगी पड़ी है। मुंह दिखा नहीं रही हूँ। पता नहीं रो रही है बच्ची, पता नहीं कौन यहाँ पे कहाँ की है। अरे तू मुखड़ा तो दिखा बेटा, एक बार मुखड़ा तो दिखा, तू अपना कौन है? अरे यही की है करो, अभी तो गई है, अभी तो गई वहाँ से। तुम्हारी बहन है?
अरे यहीं की है, लोकल की है ना अपने। वो कुछ बोल भी नहीं रही है ना, बता रही है कुछ। उसके पैरों में सूजन आ रखी है, उधर से पैरों में सूजन आ रखी है, उसके हाथ पे भी लगी पड़ी है। इससे पूछ रहे तो कुछ बता भी नहीं रही है। वो देखो पैरों में सूजन आ रखी उधर, नहीं फिसल रही। इसे पहले पूछ लो, ये खड़ी हो पा रही नहीं हो पा रही, ये खड़ी हो पा रही नहीं हो पा रही, उसके पैर में सूजन आ रही है ना। पैर में सूजन आ रही है उसके, उठा इसको आराम से, खड़े आराम से उठा इसको, खड़े। अरे हो जाएगी खड़ी, कौन थी क्या थी? जा जा बच्चे जा, मैं कह रहा हूँ जा घर चले जा, जा घर पे जा रही नपोलिया को चल रही, घर में घर छोड़ दे जा रही, तो घर को हाँ फिर यहाँ क्या लग रही उसको, घर छोड़ के आ जा, घर छोड़ के बाहर कहाँ जाइए। तो बच्चे के पैरों में लगी पड़ी है, कुछ बोल भी नहीं रही थी। ओ तेरी, अब मेरे को, मैं ना गिर जाऊँ कहीं, जिस तरीके से मेरी बाइक खड़ी है। तो शुक्र है नहीं की है लड़की। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि कोई बाहर की आके किसी चार बच्चों को कुछ खिला दिया था उसने, और उसमें जहर था, जिनमें से दो बच्चे मर गए थे और दो बच्चे जिंदा थी, उनको बाद में ले जाया गया था कहीं। तो आजकल गांव में कई चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को वही डर था कि कहीं कुछ और ला, कहीं से और से लेके ना रखे हों, पर फिलहाल ऐसा नहीं था। ये बेचारी बच्ची गिर गई थी कपड़े लाते हुए, और ये किसी से बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि बच्चों का थोड़ा होता है ऐसे ही है। तो फाइनली हम पथरोज खान पहुँच गए हैं। यहाँ से जो रानी खेत है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से मेरा गांव जो है वो भी 10 किलोमीटर की दूरी पे है। भतरोज खान तो हम पहुँच गए फिलहाल। ये जो सीधा रास्ता है ये रानी खेत को जाता है, और जो लेफ्ट राइट को रास्ता है ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ये भिक्कासैन को जाता है चौपट्टी होते हुए। तो दोस्तों यहाँ से भी जो ये रूट है भिक्कासैन वाला, एक तो आपको अभी रानीखेत वाला रूट दिखाया है, और दूसरा ये जिस पे मैं जा रहा हूँ भिक्कासैन, जो मेरे गांव की तरफ को जा रहा है, ये रूट से अभी मैंने बोर्ड पे देखा तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता भी जा रहा है, जो कि केदारनाथ 172 दिखाया है, बद्रीनाथ 240 के करीबन दिखाया है यहाँ से, क्योंकि जब चढ़ाई होती है तो पेट्रोल फूकता है ज़्यादा, और जब ढलान होती है फिर तो पूरा पेट्रोल ही बच जाता है भाई साहब, क्योंकि पूरी गाड़ी बंद होके जाती है। देखिए ऐसे गाड़ी बंद हो रहा, बंद करके ले जा रहा हूँ अभी ढलान में। ऐसे ही कई बार आप 30-40 किलोमीटर ढलान पे ही चलाते रहते हो। ऐसे रास्तों में क्या मज़ा आता है यार, क्या सुकून मिलता है। पहाड़ों में एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे अभी ये नया बना है, इनका कॉलेज है ये, और ये इधर से दिखाता हूँ, मेरा जो गांव है वो वाला है, और ऊपर वो भूमिया बाबू का मंदिर है, और अभी उस जगह से जाऊँगा, वहाँ सामने जो जगह है इसी के जस्ट ये ऊपर की साइड को है, ऊपर की तरफ को देख रहे होंगे। यहाँ पे तेंदुओं का अड्डा बना रखा है, किसी तेंदुए की फैमिली ने, कुछ एक आध साल पहले तक तो यहाँ पे अड्डा था, पता नहीं। तो फाइनली मैं अपने गांव पहुँच गया हूँ, पर मुझे इससे भी आगे जाना है। तो
अच्छा दिन में ही कहाँ, दिन में कहाँ, कितने बजे का टाइम है? 3-4 बजे की बात कर रहा हूँ। उत्तर यानी 3-4 बजे भी ये सड़कों में निकलना खतरनाक ही हो रखा है। वो जो आया था एक खबर आठ बजे रात को जो उठा के ले गए जो जो जिसने इंजीनियरिंग करी है, क्या कर रखी, बीटेक किया कुछ किया था, पढ़ाई भी किया हुआ था सर दिल्ली से। हाँ शादी नहीं हुई थी, 20 साल का था मेरे ख्याल से। अच्छा यहीं का था वो, अच्छा जिसको जंगल में ले गया था रात को, अलग सर धड़ अलग हो रखा उसका। हाँ मुंडी दिख रही थी अलग, अच्छा अच्छा वो यहीं का था, मुझे लगा वो कहीं और आगे गढ़वाल का होगा। अच्छा यानी हमारे गाँव की इधर के तरफ को तो काफी खतरा ही है एक तरीके से। अच्छा वैसे तो खैर मैंने भी पिछले साल यहाँ पे यही रोड पे देखे थे दो बाघ एक साथ इकट्ठे, मेरे इतने दूरी में थे। वो बाघ क्या, वो थे तेंदुए थे, दो तेंदुए दिखे मेरे को, एक तो यूँ घूम रहा था रोड पे और एक यहीं कोने में था, यानी इतनी दूरी पे था मेरे को, दूसरा वाला मेरे को देख रहा था। पता क्या है, डरता तो वो भी है इंसान से। हाँ डरता तो है, लेकिन बात ही है अगर जैसे तो आपका आमना सामना हो गया, हाँ तो आप एक बार के लिए बच जाओगे। हाँ सामने आ गया, हाँ उसको भी डर है, उसको भी डर है, नहीं कर पाओगे कुछ। यहाँ ज्यादातर बाघ है तेंदुए, दोनों ही है यहाँ पे, बाघ है यहाँ। और कित आपका कौन से वाला हुआ यहाँ? मैं यहाँ से जाऊंगा क्या? अच्छा ऊपर को है क्या? तो मैं पहुंच गया हूँ भिक्या सेन गाँव, मैं कल जाऊंगा सुबह एक आध घंटे के लिए, फिलहाल तो मैं हूँ इस समय भिक्या सेन में, क्योंकि गाँव के लिए मुझे नीचे 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता।